everyone. So students, as you all know that in last lecture we had completed this chapter, that is plants make food. ये chapter हम complete कर चुके हैं. But there are some activities are given in this chapter. These four activities are given, but because of this situation we are not able to do this experiments practically. So what we will do, अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको ये activities explain कर दूंगी and the videos related to this experiment, इसके जो related वीडियो है वो आपको मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी. सो दे आर फोर एक्टिविटीज. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज टेस्ट फॉर स्टार्च. अब स्टार्च वर्ड यू आर आल्सो फैमिलियर विद दिस वर्ड स्टार्च. स्टार्च कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टार्च फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? स्टार्च एक फूड फूड है जो प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है एज अ फूड. फिर प्लांट्स के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स, रूट्स, फ्लावर, उसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च. नेक्स्ट है टू शो दैट ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च. नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें दिखाना है कि जो ग्रीन लीव्स हैं वो स्टार्च कंटेन करती हैं कि नहीं है. फिर नेक्स्ट है टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, दैट इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? दैट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस फॉर प्लांट. प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. अब इस एक्टिविटी में हमें दिखाना है कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है विच इज ड्यू टू विच द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. तो इसमें ये दिखाना है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च. यानी कि स्टार्च किसी चीज में प्रेजेंट है कि नहीं है उसके लिए एक टेस्ट है, एक स्पेसिफिक टेस्ट है. व्हाट वाज दैट? कि एक क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे थोड़ा सा स्टार्च हम लोग हॉट वाटर में, फिर उस सॉल्यूशन को कूल डाउन करने के लिए रख देंगे. फिर आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, हम उसमें उसको डिश में निकाल लेंगे और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन. और वो आयोडीन सॉल्यूशन क्या काम करेगा? उस जो हम लोगों ने वो डिसॉल्व स्टार्च और वाटर था उसको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा. तो दिस वाज द इंडिकेशन दैट कि ये आयोडीन सॉल्यूशन एक तो इम्पॉर्टेंट है स्टार्च के लिए. अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका इंडिकेशन और ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि वो चीज़ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाता है. तो नेक्स्ट ये वाला जो एक्टिविटी वो हम लोग बुक में देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, तो हमने अभी ये डिस्कस किया टेस्ट फॉर स्टार्च. अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे टू शो दैट ग्रीन लीव कंटेन स्टार्च. ये एक्टिविटीज़ है. इसके लिए पहले क्या करना है कि एक ग्रीन लीफ लेनी है फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट. ठीक है, टेक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट. फिर उसको बॉयल करना है वाटर में, देन उस लीफ को बॉयल करना है एल्कोहल में. दो ये जो प्रोसेस है उसे ब्लीचिंग ऑफ द लीफ कहते हैं. व्हाट इज ब्लीचिंग? द ब्लीचिंग प्रोसेस, द रिमूविंग ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग प्रोसेस. जो ग्रीन कलर है लीफ का उसको रिमूव करने को ब्लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं. डायरेक्ट अल्कोहल में कभी भी बॉयल नहीं करते, अदरवाइज वो कैच कर लेगा फायर. ठीक है, इसलिए पहले वाटर में, देन अल्कोहल में, फिर उसके बाद कोल्ड वाटर में वॉश किया जाता है लीफ को. तो आपको ये देखेंगे डी कलराइजेशन ऑफ द लीफ हो गया है. यहाँ पे जो उसका कलर था वो फेड हो गया है थोड़ा. ये देखिए, यहाँ पे पहले इतना ग्रीन लीफ था, अब वो ऐसा हो गया है. फिर उसके बाद उसको डिश में निकाल लेंगे लीफ को, और फिर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे. जैसे ही आयोडीन ऐड करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर और लीफ का हो जाएगा. अगर ब्लू ब्लैक कलर लीफ का हो, दैट्स मीन्स इसका कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, व्हाट वी कॉन्क्लूडेड हियर, कि लीफ कंटेन स्टार्च, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है इसलिए ब्लू ब्लैक कलर हुआ है. ठीक है, ये था एक्टिविटी थर्ड जिसमें बता दिया कि लीफ में ग्रीन कलर है इसलिए इसमें स्टार्च है. ठीक है, ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च.
फिर नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना है, हेल्दी पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना है 2 से 3 दिन के लिए या फिर 24 आवर्स मिनिमम, ठीक है. फिर ताकि वो सनलाइट रिसीव ना कर पाए और वो अपना फूड प्रिपेयर ना कर पाए. नेक्स्ट डे उसको फिर क्या करना है कि प्लांट को सनलाइट में रखेंगे और जो उसका एक लीफ होगा उसको ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड कर देंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया तो लीफ पोर्शन नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. फिर उसी लीफ को वो प्लग करके रिमूव करके फिर उसका ब्लीचिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि बॉयल करेंगे वाटर में, देन उसको अल्कोहल में बॉयल किया जाएगा. फिर उसके बाद उसको कोल्ड वाटर में वॉश करेंगे तो डीकलराइजेशन ऑफ द लीफ हो गया. फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप होगा कि आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो जो कवर्ड पोर्शन था, ये जो ब्लैक स्ट्रिप वाला कवर्ड पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ, बट कि जो अनकवर्ड पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया. तो जो अनकवर्ड पोर्शन था उसी में स्टार्च रहा इसलिए वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, और जो कवर्ड पोर्शन था उसमें स्टार्च नहीं था. तो ये पता चला कि सनलाइट प्रेजेंट था तब जाके लीफ ने, प्लांट ने अपना फूड बनाया, एज फूड बनाया स्टार्च, अदरवाइज वो नहीं बन पाए. जो एक्सपोज पोर्शन था वही सनलाइट में जो एक्सपोज किया हुआ पोर्शन था वही अपना फूड बना पाया, दूसरा नहीं बना पाया. तो इसे सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है. अब नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी में गिवन है कि टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. उसके लिए क्या लेंगे कि एक हेल्दी प्लांट लेंगे जिसको सनलाइट में रखा हुआ, लेकिन उसकी वेरीगेटेड लीफ ली जाएगी. वेरीगेटेड लीफ यानी कि जो पार्शली ग्रीन हो और पार्शली वाइट हो. आपने लीव्स देखी होंगी जो आधी ग्रीन होती हैं और आधी वाइट होती हैं. ये देखिए, इस लीव को देखिए अच्छे से, ये आधी ग्रीन है और बीच में से वाइट है, ठीक है. फिर इसको लीफ को ब्लीचिंग प्रोसेस करेंगे, बॉयल इट इन वाटर देन इन अल्कोहल, फिर उसको कोल्ड वाटर में वॉश कर लेंगे. फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे. तो आयोडीन सॉल्यूशन जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे ब्लू ब्लैक करेगा, जो वाइट पार्ट है वहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं करेगा. तो इससे क्या पता चला कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए ब्लू ब्लैक हुआ है, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है इसलिए एक ग्रीन क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकलता है. तो ये हमने तीनों की 4 एक्टिविटीज़ देख ली हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है. थैंक यू.